सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए क्या क्या गेम प्लान्स हमारे हो सकते हैं, कल की सारी पॉसिबिलिटीज, इंपॉर्टेंट लेवल्स, किन लेवल्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलो निफ्टी स्टार्ट करता हूँ। तो निफ्टी में देखो, अभी एक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज आया है निफ्टी में, ठीक है। आज मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर आई है मार्केट, ठीक है निफ्टी। तो एक गेम प्लान हो सकता है कि मार्केट अगर 17,720 के ऊपर ओपन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉल बाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कॉल बाई करके आप 17,800 तक का टारगेट ले सकते हो, या फिर अगर ओपन होते यहाँ नीचे आती है और यहाँ से वापस से बाउंस करती है, ठीक है, तो बाउंस करने पे आप यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हो। 720 का ब्रेकआउट आपके लिए कंफर्मेशन होगा, तो आपको 800 तक का टारगेट मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज होंगी कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, 17,800 के आसपास ओपन हो जाए, तो यहाँ से अगर सेलिंग कैंडल्स बनते हैं तो आप पुट बाय कर सकते हो। पुट पुट साइड में आपको फर्स्ट 17,700 तक का टारगेट मिल सकता है, 800 to 700, ठीक है। इसका फिर ब्रेकडाउन अगर आता है 670 का, ओके, यहाँ पे 17,670 का ब्रेकडाउन आता है, तो आपको फिर आप यहाँ री एंटर करके 17,620 तक का टारगेट ले सकते हो, ठीक है। दो गेम प्लान्स रहेंगे। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है मार्केट, डीप गैप डाउन 17,520 के ऊपर, और यहाँ पे सपोर्ट कैंडल्स बनाती है, तो आप कॉल बाय कर सकते हो, ओके, और आपका टारगेट होगा 17,620। इसका ब्रेकआउट पे आपको 17,700 तक का टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो ये गेम प्लान रहेगी हमारे निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी में देख लेता हूँ, बताता हूँ क्या करना है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी सेम एक यही स्ट्रक्चर है, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का स्ट्रक्चर है, ये कल सपोर्ट के लिए वर्क करेगा, ठीक है। तो आप कल कितने क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है चलो देखते हैं। 40,135 के ऊपर अगर गैप डाउन ओपन होती है यहाँ पे, और इसके ऊपर सपोर्ट कैंडल्स बनता है, इसको ब्रेक डाउन करे बिना यहाँ से ग्रीन कैंडल्स बनाना स्टार्ट करता है, आप कॉल बाय कर सकते हो। 40,700 तक का टारगेट आपको कल मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे कॉल के बाद स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज होंगी कि अगर गैप अप ओपन हो जाए 41,000 के आसपास, यहाँ पे ओपन हो जाए अगर, तो यहाँ से भी फॉल कर सकती है मार्केट। अगर यहाँ नहीं ओपन हो, यहाँ पे ओपन हो 41,400, तो यहाँ से भी फॉल कर सकती है, तो यहाँ पे भी आप पुट बाय कर सकते हो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के, अगर यहाँ से सेलिंग कैंडल्स बनते हैं तो, अगर नहीं बनते तो छोड़ देना, ठीक है, यहाँ का इंतजार करना 41,400 तक का। यहाँ पे अगर आती है तो यहाँ पे पुट बाय करके आप यहाँ पे फर्स्ट टारगेट बुक कर सकते हो, इसका ब्रेक डाउन होता है तो आपको यहाँ तक का मैक्सिमम टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी की गेम प्लान रही है हमारी। मार्केट अभी थोड़ा बहुत ही रिस्की गेम है, अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करना, देख रहे हो कैसे कैसे कैंडल्स बनते हैं, है ना। यहाँ देखो एकदम 200-300 पॉइंट का एक कैंडल बन जा रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। इवन फर्स्ट 1 मिनट का कैंडल पे आप ये देखोगे ना, तो फर्स्ट 1 मिनट का कैंडल में ही आज मार्केट ने अराउंड 400-500 पॉइंट का मूव दिया था, तो ये बहुत ही रिस्की और डेंजरस है ना। तो थोड़ा सा केयरफुली रहना पड़ता है। इवन मेरे आज स्टॉप लॉस, मैंने भी आज स्टॉप लॉस ही खाया है, दो दो, दो स्टॉप लॉस मेरा गया है, तो थोड़ा केयरफुल रहो, ओके। फिर मिलते हैं कल, बाय।